नमस्कार दोस्तों, क्वारंटीन में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टिकटॉक के ड्रामा के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया इस चीज़ को, कि कैरी मिनाती ने जब से वीडियो बनाई है टिकटॉकर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद टिकटॉकर ने रिप्लाई करा और फिर मतलब बुरी तरीके से सड़ी उन लोगों की, और फिर उसके बाद कैरी की वीडियो डिलीट हो गई। और दुनिया भर की चीज़ें जो हैं वो लगातार जो है वो चलती जा रही हैं, और ये वाला मुद्दा जो है वो बार बार मेरे सामने आता रहता है, बार बार मेरे डेस्क पर आता रहता है, बट मैं इसको जो है वो बार बार इग्नोर करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो ज़रा सा भी रेलेवेंट है टेक इंडस्ट्री के अंदर। बट अपेरेंटली अब ये है, क्योंकि जो गूगल है वो जो है वो इस वाले मुद्दे के बीच में जो है वो आ रहा है, और हर जगह पर जो है वो आउटरेज जो है वो फैल रही है। सबसे पहली वाली आउटरेज जो है वो तब फैली थी जब यूट्यूब ने अपने खुद के क्रिएटर की वीडियो को डिलीट कर दिया था, और फिर उसके बाद जो मेन क्रिएटर है जो कि टिकटॉक के अकाउंट से यहाँ पे यूट्यूब पर अकाउंट बनाया, कि फैज़ू ने जो है एक तरीके से वीडियो बनाई थी, एक पहली वीडियो, और वो उसको ट्रेंडिंग में डाल दिया था यूट्यूब ने, तो सारे सारे लोगों का वहाँ पे दिमाग खराब हो गया था। तो मैं उसको समझा देता हूँ कि वो क्यों करा। और फिर उसके बाद गूगल ने जो है वो सारी की सारी जो बुरी वाली रेटिंग्स थी वो जो है वो ब्लॉक कर दी। तो इसका मतलब जो है वो क्या हो सकता है, क्या गूगल वाकई में टिकटॉक का सपोर्ट कर रहा है या फिर टिकटॉकर्स का सपोर्ट कर रहा है? तो उन सारे के सारे आंसर्स को जो है, उन सारे क्वेश्चंस को जो है मैं यहाँ पे जो है वो आंसर कर दूंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो हूं वो एक यूट्यूबर हूं, तो मैं ऑब्वियसली यूट्यूब की साइड पर रहूंगा, कैरी मिनाती की साइड में रहूंगा। आई हेट टिकटॉक, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, और दुनिया भर की चीजें जो भी चल रही हैं मैं ज़्यादा अपडेटेड हूं सारी चीजों से। मेरे किसी भी फोन के अंदर जो है वो टिकटॉक नहीं है, और मैंने एंड्रॉइड और iOS दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म पर उसको जो है वो 1-स्टार रेटिंग दी है। अब काफी ज्यादा लोगों ने ये वाली चीज करी है, एंड काफी ज्यादा लोग जो है उस वाली चीज को कुछ ज्यादा ही लेवल पर कर दिया है, मतलब कि 10-10 जीमेल के अकाउंट बना के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बुरी वाली रेटिंग्स को। और वो एक बहुत ज्यादा बड़ी वाली मेन वजह है कि गूगल जो है वो सारी रेटिंग्स जो है वो हटा रहा है, क्योंकि अपेरेंटली गूगल जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार एल्गोरिदम्स जो है उस वाली चीज़ों पर लगाता है, और स्टोर पॉलिसीज के हिसाब से अब किसी भी चीज़ को जो है एक तरीके से ज़्यादा रिपीट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप लोगों के एक तरीके से बाप हैं, वो सब जो है वो सारी चीज़ें जो है वो संभालते हैं, उनका ज़्यादा दिमाग है। तो अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डल रही हैं। अब अगर आपको अपनी रेटिंग नहीं हटवानी है, मतलब कि आपने इतना सारा अकाउंट बनाए और आपने सब कुछ करा और उसके बाद भी अगर रेटिंग हट जाती है, तो एक तरीके से आपकी मेहनत जो है बेकार जाएगी। तो आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, पहले ऐप को इंस्टॉल करो। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि टिकटॉक को सपोर्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है उसको, उसके बाद उसको रेटिंग देनी है बुरी वाली, और अच्छा खासा रिव्यू लिखना है, और उसके अंदर कुछ भी पॉलिटिक्स वगैरह मत झाड़ना कि कैरी की वीडियो लाओ वापस एवरी ईयर, सब कुछ एक जेन्युइन लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई साहब इस बंदे को वाकई में उस वाले ऐप ने कुछ ना कुछ जो है वो गलत हुआ है। और फिर उसके बाद जो है आप उसको अपलोड कर दो, एंड देन अनइंस्टॉल द ऐप, अनइंस्टॉल टिकटॉक। और जब आप ऐसा करोगे तो गूगल आपकी रेटिंग को नहीं हटाएगा प्ले स्टोर पर से। वेल ओके, वो वाली बात जो है वो क्लियर हो गई हो तो फिर आपको बता दूं कि यूट्यूब ने कैरी की वीडियो हटाया कि फैज़ू की वीडियो को एक तरीके से ट्रेंडिंग में क्यों ले आया, क्या उसको फैज़ू कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता उसे कहते क्या है। तो सबसे पहले बता दो कि फैज़ू जो है, शिट मैं बोल भी नहीं पा रहा, मैं इसको टिकटॉक सेलिब्रिटी कहूँगा। तो सबसे पहले बता दूँ कि टिकटॉक सेलिब्रिटी जो है अगर यूट्यूब के ऊपर आता है, तो फिर उसके बाद एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली फैन फॉलोइंग जो है अपने साथ में ला रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली पॉपुलर है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो वाइन से, टिकटॉक से ऑलरेडी यूट्यूब पर आए हैं, और यूट्यूब वालों ने उनका काफ़ी ज़्यादा लेवल्स के ऊपर फ़ायदा उठाया, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी ऑलरेडी फैन बेस जो है वो बनी हुई है। मेरे जैसे लोग जो ऑलरेडी यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं उनकी उतनी ज़्यादा फैन बेस नहीं है, तो वो लोग अगर वहाँ पर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शानदार वाले, एक तो एड रेवेन्यू यूट्यूब को पहुँचाते हैं, और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली ब्रांड डील्स भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला रीज़न था कि अगर कोई नया क्रिएटर आके प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है जो कि दूसरे वाले पे ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस है, तो ये यूट्यूब की एक बेहतर से ब्रिलियंट मूव थी, उसकी वीडियो जो है पहली वाली वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में ले आए, ताकि उसके सब्सक्राइबर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और काफी शानदार वाला एड रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके यूट्यूब को वापस दे। और जैसे कि आप लोगों को पता कि यही हुआ, उसके एक ही दिन में या फिर शायद दो ही दिन में लगभग 500,000 के सब्सक्राइबर जो है वो पार कर गए थे, और अभी जो है वो 7,00,000 सब्सक्राइबर के पार वो वाला बंदा जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बैठा हुआ। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आते ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो ओवरटेक कर लिया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो कि 4 साल से इस वाले प्लेटफॉर्म पे काम। और उसके बाद से ट्विटर के ऊपर ये वाली चीज़ें जो है वो लड़ाई वगैरह जो है वो होना स्टार्ट हो गई, सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ हो गए, सारे के सारे मीमर्स उसके खिलाफ हो गए, एंड अपेरेंटली अनइंस्टॉल टिकटॉक, बैन टिकटॉक इन इंडिया, वो सब कुछ जो है वो चलना चालू हो गया। एंड आई नो दैट कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेवल्स के ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट बनाते हैं, यहाँ पे जो है वो ज़रा से भी रूल्स की इज्जत नहीं होती, यहाँ पे ज़रा से भी क्रिएटर्स की इज्जत नहीं होती, एंड अपेरेंटली देखा जाए तो यहाँ पे कोई से भी एक तरीके से रूल है ही नहीं, यहाँ पे ये लोग कोई सा भी गाना
यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ये लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, एंड दैट्स जस्ट लाइक सो अनफेयर। मैं यहाँ पे अगर ज़रा सी भी कोई से भी गाना वगैरह यूज़ करूँ तो मेरे पे जो है वो कॉपी स्ट्राइक लग जाती है, एंड वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यूट्यूब के ऊपर एक तरीके से काफ़ी रेलिवेंट कंटेंट को जो है वो बूस्टअप दिया जाता है, जैसे कि अगर आप टेक के अंदर हो तो आप मेरी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आपको टेक्निकल गुरु जी की वीडियोज़ देखने को मिलेगी। अगर आप कॉमेडी वीडियोज़ देखना पसंद करते हो तो आपको भुवन बाम जो है वो अमित भदाना वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा साइंस रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो फिर आपको जो है वो वीसॉस वगैरह के चैनल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, नील डिग्री टाइसन के चैनल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अपेरेंटली आपकी आपकी सोच और बुद्धि के हिसाब से जो है वो यूट्यूब आपको आपका कंटेंट जो है वो सजेस्ट करता है, बट टिकटॉक पर ऐसा नहीं है। वो आपको फोकट के बेहुदा चैनल्स जो है वो दिखाता है, एंड अपेरेंटली आई कैंट बिलीव दिस कि लोग उसको देखते भी हैं। मतलब कि मैंने देखा था, मैं जहाँ पर बाल कटाने जाता हूँ वहाँ पर एक बंदा है जो कि टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाता है, हालांकि मैंने उसको इंस्टॉल करवा दिया, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन उसके वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, मतलब मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर उस नाइक के थे, और वो वीडियोज़ क्या बनाता था, बाल काटने की। और ये चीज़ मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, अगर आप कोटा में रहते हो तो सिट्रस में जाना, वहाँ पे वो अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं लोगों के बाल काटने की, और लोग देखते हैं, इतने ज़्यादा लेवल्स पे देखते हैं जिसकी हद नहीं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि टिकटॉक वाकई में काफ़ी द इररेलीवेंट और बेहुदा ऐप है। तो यही थी मेरी वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाई, लाइक करें इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पहले कौन दबाना मत भूलना। दिस इज मिस्टर सानी का भाई हूँ जी। दोस्तों मेरा नाम है जाव शर्मा।